गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, हमने चैप्टर नंबर 6 डिवीजन स्टार्ट किया हुआ है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। आज 6.2 में हम क्या पढ़ेंगे? डिवीजन बाय वन डिजिट नंबर। मैंने आपको डिवीजन करना सिखाया था, क्वोशेंट, रिमाइंडर सब कुछ बताया था, डिवाइजर, डिविडेंड। आज हम डिवीजन करेंगे वन डिजिट नंबर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 6.2 में, फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। हमें क्वोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको क्वोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइजर, डिवीजन सबके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। फिर भी मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ, जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिसकी हेल्प से, उसको कहते हैं डिवाइजर। जिसको डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिविडेंड। और जो आंसर आता है वो क्या होता है? क्वोशेंट। और जो एट लेफ्ट ओवर रह जाता है उसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर, ठीक है। आज मैं 2859 को 6 से डिवाइड करना आपको सिखाऊंगी। 6 का टेबल है, 6 के टेबल में तो देखो 28 आता है, 6 के टेबल में नहीं, 6 के टेबल में 28 नहीं आता, तो 28 से छोटा कर ढूंढना हो। मैंने आपको बताया था डिवीजन एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब हम नीचे वाले डिजिट को छोटा लेंगे, तभी हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो 6 के टेबल में 28 नहीं आता, तो देखो 6 के टेबल में 28 से छोटा क्या आता है? 6 4 24 से छोटा है। और डिवीजन क्या है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 4। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 0। ऊपर से हम वापस करेंगे 5। अब देखो 6 के टेबल में 45 आता है, देखो 6 के टेबल में 45 आता है या नहीं आता, इसे छोड़ो। देखो 6 7 का क्या आता है? 42। ये 45 से छोटा है। आपको टेबल अच्छे से लर्न होने चाहिए तभी आप डिवीजन के सम कर सकते हो। आपको 45 से छोटा ढूंढना है, 6 के टेबल में 45 से छोटा 42 ही है। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर आएगा 3, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर आएगा 0। अब नीचे क्या लेकर आओगे? 9। एरो की हेल्प से आप माइंड में रहेगा कि आपने क्या नीचे लिया क्या नहीं लिया, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। 6 के टेबल में 39 आता है नहीं, 39 से छोटा, 6 6 36। 9 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 3। 3 में से 3 माइनस करोगे क्या आएगा? 0। बेटा देखो, आपको रिमाइंडर बनाना था, क्वोशेंट बनाना था। 476 आपका क्या है? क्वोशेंट। क्वोशेंट क्या होता है? जो हमारा आंसर आता है डिवीजन करने के बाद। और रिमाइंडर क्या होता है? डिवीजन करने के बाद जो आपका एंड लेफ्ट होता है, जो बचता है, उसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है? सम में 3। ये सब मैं आपको अच्छे से रिवाइज कराती हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको ये डिवीजन करनी है। अब देखो 5 के टेबल है, 5 के टेबल में देखो ये 7 है, 5 इसके नीचे जा सकता है क्योंकि सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। 5 बनता 5, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 2। देखो बेटा ये 6 के टेबल में 2 नहीं आता, ये हमारा यहाँ पे डिवाइजर बड़ा है डिविडेंड से, तो मैंने यहाँ पे दोनों को ज्वाइंट किया, पूरा टेबल काउंट कर देखा, पर यहाँ पे जो मेरा डिवाइजर है वो छोटा है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया? 5 बन जा 5, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें क्या हुआ? 2। और यहाँ से 2 नीचे लिया। अब 5 के टेबल में 22 नहीं आता, तो 5 के टेबल में 22 से छोटा क्या है? 20। 5 4 20। 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा? 2। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा? 0। ऊपर से क्या लोगे? 5। 5 के टेबल में 25 आता है, यस 5 5 25। 25 में से 25 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर क्या आएगा? 0। आपका ये सब खत्म नहीं हुआ, तभी मैंने एरो लगवाई है ताकि आपको पता रहे आपका क्या लेफ्ट रह गया। अब आपको लाने नीचे 6। 5 के टेबल में 6 नहीं आएगा, लेकिन 6 से छोटा क्या है? 5। 5 बन जा 5, 6 में से